प्रशिक्षण संस्थान जिसमें हमने देखा था कि 7 डिपार्टमेंट है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा उसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हमें बताएंगे कि जो अन्य संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जिला स्तर पर कार्य कर रही हैं, उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की संदर्भ में क्या भूमिका है और खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के विभिन्न भागों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनका पालन किया जाता है, कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाता है। जैसे सबसे पहली बात यह है कि कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम है तो उसके सफल आयोजन का दायित्व तो किसी एक डिपार्टमेंट का ना होकर सभी डिपार्टमेंट का होगा। तो इन सभी मतलब किसी भी कार्यक्रम की सफलता का दायित्व तो किसी एक डिपार्टमेंट का ना होकर इंटीग्रेटेड होता है, कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी डिपार्टमेंट्स की। तो इसमें ये कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी अश्योर की जा सकती है कि जब हार्ड एंड फास्ट रूल्स ना हो, बाउंड्रीज जो है एक डिपार्टमेंट की और दूसरी डिपार्टमेंट की बहुत स्ट्रिक्ट ना हो, कि अगर हमने कह दिया कि डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट का काम नॉन फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड है या अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा से रिलेटेड जो भी काम होगा फिर वही डीआरयू ही करे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हमें डीआरयू में डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट को नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए कार्यानुभव विभाग की आवश्यकता पड़ती है, वहां से कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, या एजुकेशन शैक्षिक तकनीकी विभाग से किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो इनके बीच में वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरे डिपार्टमेंट को टेक ओवर कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। तो जो विभागीय विवरण है ये कोई हार्ड नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट प्रोविजन नहीं है, बल्कि एक लचीला प्रावधान है। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर कोई भी रिसर्च हो रही है, कोई भी सर्वे हो रहा है, तो उसके अध्ययन में ये एक दूसरे को कोऑपरेशन देंगे, सहयोग सुनिश्चित करेंगे, और जितनी सूचनाएं भी हैं वो एक दूसरे विभाग में उनका आदान प्रदान किया जाएगा। तो ये 3-4 कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पर, जिनको फॉलो करने की वजह से डाइट के जो 7 इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहली बात तो यही कि सब जो भी सफलता या असफलता है वो सभी का कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समेकित उत्तरदायित्व है। जो विभागीय विवरण है वो जो कहा गया है कि ये काम इस डिपार्टमेंट का है और ये इस डिपार्टमेंट का है, कि वो कोई हार्ड या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज में नहीं बंधा हुआ है, जैसे जरूरत होगी वो एक दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा, तीसरी बात, जो भी रिसर्चेस होगी उसमें सारे ही डिपार्टमेंट एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे। वो कैसे करेंगे कि जो भी सूचनाएं जिस भी डिपार्टमेंट के पास है उनका आदान प्रदान किया जाएगा। अन्य संस्थाओं के साथ इनका समन्वय कैसे होता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का? ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक कड़ी के रूप में काम करता है। राष्ट्र और समाज की जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चेन है, ग्रास रूट यानी जमीनी स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे अध्यापक हैं, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं, या कुछ एनजीओस हैं, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एजुकेशनल ऑफिसर्स हैं, जो बीईओ हैं, पीआरसी हैं, एनपीआरसी हैं, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। तो इनके और जो नीति नियंता है, जो अपर बॉडीज है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यो एनपीआर है, वो खत्म हो गया ना? तो बीआरसी तो है, बीआरसी तो है मैम, पर एनपीआरसी खत्म हो गया और उसकी जगह कोई नया आया है, उसका मैम बताना क्या है उसकी जगह। बेटा मुझे भी इतना इन डेप्थ नहीं पता है, मैं इसको कंफर्म करके बताऊंगी क्योंकि ओके मैम, हाँ मतलब ये टॉपिक जो है मैं फर्स्ट टाइम इन चीजों को मैं स्टडी कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं पर कुछ चीजें हो सकता है। काम करता है एक ऐसी चेन जो कि ऊपर के जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, स्टेट लेवल के जो इंस्टीट्यूट हैं, उनसे जो पॉलिसीज और जो गाइडलाइंस मिलती हैं उनको कहाँ तक पहुँचाता है, जो जिले के स्तर पे या जो नगर के स्तर पे या गाँव के स्तर पर जो संस्थाएं हैं उनके बीच ग्राउंड लेवल तक पहुँचाने का काम करता है। तो इस कोऑर्डिनेशन में ये जो रोल प्ले करता है वो क्या करता है कि गांव और विद्यालय स्तर की जो भी शैक्षिक समस्याएं हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल से सीधे टच में है, जो गांव के स्तर पे व्यक्ति काम कर रहा है, विद्यालय में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी डाइट तक सीधी पहुंच होती है, और विद्यालय का निरीक्षण के दौरान ये पता किया जाता है कि क्या क्या शैक्षिक समस्याएं हैं, उनका विश्लेषण करके जो भी निष्कर्ष निकलते हैं उनको हम जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, उच्च संदर्भ व्यक्ति मतलब जो
कंसर्न अथॉरिटीज हैं या जो स्पेशलिस्ट हैं उस फील्ड के या जो नेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं वहां तक हम उन निष्कर्षों को पहुंचाने का काम करते हैं। तो पहली बात तो एक कड़ी के रूप में काम कर रहा है। हेलो, ये मैम में काम करता है कैसे कड़ी के रूप में काम करता है कि जो भी ग्राम और विद्यालय स्तर की समस्याएं हैं उनका विश्लेषण करता है और जो निष्कर्ष निकलते हैं उनको हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाता है। फिर जब हायर अथॉरिटीज को ये चीजें पहुंचा चुकी तो हायर अथॉरिटीज के भी कुछ गाइडलाइंस होंगे, जो वहाँ के स्पेशलिस्ट हैं वो कुछ दिशा निर्देश देंगे, उन मार्गदर्शन को प्राप्त करना डाइट का काम है और उस मार्गदर्शन के अनुसार ग्राउंड लेवल पे हम कैसे काम करेंगे तो उन रणनीतियों का विकास करना और उन रणनीतियों के हिसाब से, उन नीतियों के हिसाब से डाइट का या संस्थान का कार्य संचालन करना, ये ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके द्वारा जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है वो समन्वयन का काम प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में करता है। समन्वयन किसके बीच में, वो जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और वो जो अपर लेवल पर काम कर रहे हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है। एक बार फिर से इसको देख लें, सबसे पहले काम करता है कि गांव और विद्यालय की समस्याओं को समझना और उनके आधार पर विश्लेषण करके निष्कर्ष जो है वो हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाना, हायर अथॉरिटीज की गाइडलाइंस लेना और उनके हिसाब से अपनी पॉलिसीज मेकिंग करना, रणनीतियां बनाना और रणनीतियों के अनुसार संस्थान का कार्य चलाना जिससे जमीनी स्तर पर वो चीजें लाई जा सके जिसका जो किसी पॉलिसी में या किसी गवर्नमेंट की जो मिशन है उसके अंतर्गत नेशनल लेवल पर जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए प्रयास किया जा सके, उनको जमीनी स्तर पर उतारा जा सके। तो ये तो था जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान और अन्य संस्थाओं के बीच का समन्वयन। अब हम बात करते हैं बीएसए की कि बेसिक शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विद्यालय के संदर्भ में, खासतौर से प्राथमिक विद्यालय के संबंध में और कम्युनिटी के संबंध में ये किस तरीके के रोल प्ले करता है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स की हम बात नहीं कर रहे हैं इस समय। सबसे पहले काम जो ये करता है वो प्राइमरी विद्यालय या सभी विद्यालय, इसमें ये तो सेकेंडरी पे भी जाएगा, जो भी विद्यालय हैं उनमें विद्यालय प्रबंधन समिति बनी है या नहीं है इस गठन को सुनिश्चित करना, ये सुनिश्चित करता है बेसिक शिक्षा अधिकारी कि हर स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बने। दूसरी बात, अगर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनी है तो उनकी रेगुलर मीटिंग हो, इसको अफर्म करना, मतलब इसको कन्फर्म करना कि रेगुलर मीटिंग्स हो रही है, उसको चेक करना, और अगर मीटिंग हो रही है तो उसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्य हिस्सा लें। तो ये तीन चीजें केवल इस बात से रिलेटेड हैं कि गठन हो, गठन में नियमित बैठकें हो और नियमित बैठकों में सभी की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। ऐसे मैम किसी ग्राम पंचायत में चार से पांच विद्यालय हैं, ठीक, तो चार से पांच विद्यालय में ग्राम प्रधान भी समिति में आएगा, गठन हो जाए ये सुनिश्चित करना, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर मीटिंग्स हो ये सुनिश्चित करना, फिर उसके बाद उसमें सभी सदस्य उपस्थित हो, उपस्थित होने के बाद जो चर्चा हो रही है उसका विषय कुछ भी ना होकर जो स्थानीय स्तर पर समस्याएं हैं उससे रिलेटेड कोई एजेंडा हो उस पर चर्चा सुनिश्चित की जाए। चर्चा होने के बाद में जो भी चीजें हुई हैं उस चर्चा के दौरान उसका डॉक्यूमेंटेशन हो और वो डॉक्यूमेंट्स आगे चल के पब्लिश हो, इस चीज का ध्यान रखना। ये सारे बीएसए के दायित्व थे। इसके बाद ये तो थे उसके विद्यालय प्रबंध समिति के कार्यप्रणाली से और उसके गठन से। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि विद्यालय प्रबंध समिति की जो फंक्शन है वो उसको एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाए, इसके संबंध में भी उसकी कुछ भूमिकाएं हैं। तो सबसे पहले जो भी एसएमसी के मेंबर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रदान कराना, ट्रेनिंग हो सके उनकी, ये सुनिश्चित कराना बीएसए का काम है। इसके अलावा बहुत सारी प्रचार सामग्री है जिसमें ये एसएमसी के जो मेंबर्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका क्या कार्य है, उससे रिलेटेड मटेरियल उपलब्ध कराना। और एसएमसी के जो मेंबर्स हैं, आप अगर 75% अगर पेरेंट्स हैं और वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, संवेदनशील नहीं है, तो उनको संवेदनशील बनाने के लिए, उनके कर्तव्यों और दायित्वों का बोध कराने के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो सारी चीजें कराना बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व है। जैसे आर्ट बैंड या कला जत्था,
विचार गोष्ठी, सेमिनार, इन सब का आयोजन ब्लॉक लेवल पे कराना। आर्ट बेंच जहाँ कला जत्था से जहाँ यहाँ तात्पर्य केवल ये नहीं है कि पोस्टर मेकिंग हो गया या ड्राइंग के थ्रू कुछ हो रहा होगा, आर्ट बेंच में सभी प्रकार की कलाएं आती हैं जिनमें नाटक, गीत, संगीत, नृत्य, गायन, वादन, एवरीथिंग, किसी भी तरीके से हम कोई भी अवेयरनेस शुरू कर सके। इसमें नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन हो सकता है, कोई गीत संगीत का भी आयोजन हो सकता है, गाने के माध्यम से भी लोगों को अवेयर कराया जा सकता है। तो आर्ट बैंड और उसके बाद हमने दूसरी बात की सेमिनार की, वर्कशॉप की, इन सब का जो है आयोजन ब्लॉक स्तर पर कराना बेसिक शिक्षा अधिकारी का काम है। फिर एक इम्पॉर्टेंट काम होता है विद्यालय विकास समिति का, विद्यालय विकास योजना बनाना। तो ये विद्यालय विकास योजना के लिए कहा जाता है कि आप हर साल जो है दिसंबर तक ये योजना प्रस्तुत कर दें। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि विद्यालय प्रबंध समिति दिसंबर तक विद्यालय योजना बनाकर ग्राम शिक्षा समिति को प्रस्तुत करे। ठीक, विद्यालय प्रबंध समिति की क्षमता की वृद्धि में जो भी उसको सहयोग कर सकता है उसको सुनिश्चित करना। पहला तो कि टाइम से ये विद्यालय विकास योजना बन जाए, और इसको बनाने के लिए जिन चीजों की या जिन कैपेसिटीज की जरूरत है उसको डेवलप करने में वो अपना सहयोग प्रदान करे। और विद्यालय विकास योजना के लिए जागरूकता अभियान चलाना कि ये मतलब सिर्फ खाना पूर्ति नहीं है, ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और इसके लिए सभी जो जितने विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं या जो भी विद्यालय समिति के सदस्य हैं वो इसका महत्व समझें और इसमें इन्वॉल्व हो, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना। इसके अलावा कुछ वॉलंटियर्स चुने जाते हैं राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत, उन वॉलंटियर्स या स्वयंसेवकों का सहयोग ले जिससे वो विद्यालय विकास योजना में उनका भी सहयोग ले, क्योंकि ये वॉलंटियर्स जो है वो ग्राउंड लेवल की रियलिटी से वाकिफ होते हैं, तो उनके इनपुट्स को भी इसके अंदर लेके आए। वॉलंटियर्स में कहाँ से बनाए जाते हैं? एनजीओ है जो अलग अलग विद्यालयों में जा रहे हैं और कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की या सर्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका जो कोऑर्डिनेशन है उनके जो इनपुट्स है उनको भी ले प्राइमरी क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं। अब वॉलंटियर्स जो है वो स्कूल में अलग अलग स्कूल्स में जब घूम रहे हैं तो उनके दौरान उन्होंने काफी रिपोर्टिंग की होगी, बहुत सारी आख्याएं उन्होंने बनाई होंगी, उनमें जो भी आवश्यकताएं जो भी कमियां महसूस हुई हैं उन सब आवश्यकताओं को भी विद्यालय विकास योजना के अंतर्गत जोड़ा जाए। फिर आता है आपका कम्युनिटी अवेयरनेस यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अश्योर करना। सबसे पहले हमने देखा बीएसए का जो रोल था, विद्यालय प्रबंध समिति का स्थापना, गठन और उसकी कार्यप्रणाली से संबंध था। दूसरी चीज हमने देखी वो विद्यालय का समिति जो वार्षिक योजना बनाती है उससे संबंधित था। अब हम कर रहे हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन उसको अश्योर करना, क्योंकि प्राइमरी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा तभी सफल हो सकती है या क्वालिटी एजुकेशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब ग्राउंड लेवल पर हम जो जनता है उसको जागरूक बना सकें। तो उनको जागरूक बनाने के लिए सबसे पहले जो रणनीति है सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे हैं उनके माँ बाप उस मामले में जागरूक हों शिक्षा के लिए, तो उनको जागरूक करने के लिए रणनीति बनाना। फिर ये सुनिश्चित करना कि जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों का ना केवल इनरोलमेंट कराएं अपितु उनको रेगुलरली स्कूल भी भेजें। तो ये सुनिश्चित करना कि अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन कराएं और नियमित स्कूल भेजें, ये भी इस बीएसए का काम है। इसके अलावा माता पिता की भूमिका जो है वो केवल माता पिता की भूमिका केवल जो है सिर्फ इतनी ही नहीं है कि वो स्कूल में इनरोलमेंट करा दें और उसको रेगुलरली स्कूल भेजें, बल्कि इसके प्रति उनको एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा और पूरे जो उसका कंप्लीट डेवलपमेंट है उसके विकास में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं जिससे बच्चे के कम्प्लीट डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए माँ बाप या गार्जियंस जो है वो अवेयर हो सके। इसके लिए क्या कर सकता है कि वो लोग अवेयर हो, तो वही बात है कि जो वॉलंटियर्स हैं जो स्वयंसेवी हैं उनके सहयोग से हम जो है माँ बाप को संवेदनशील बना सकते हैं। उसके अलावा जो सर्वे होते हैं एक और इम्पोर्टेंट काम है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सर्वे कराती है जिसमें पता कई सारी चीजें जो है जानकारी जो है राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे मांगी जाती है,
उन हाउस होल्ड सर्वे में जो शिक्षा अधिकारी है, बेसिक शिक्षा अधिकारी है, वो ये सुनिश्चित कराता है कि समुदाय की व्यापक सहभागिता हो। तो एक बार हम इसको फिर से चाहें तो, अगर चाहें देखना चाहें देख सकते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सबसे पहले भूमिका थी विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यप्रणाली के संबंध में, गठन कराना, नियमित बैठकें कराना, उपस्थिति सुनिश्चित करना, बैठकों में स्थानीय एजेंडा पर चर्चा हो, जो भी चीज हो उसका डॉक्यूमेंटेशन हो और उसको पब्लिसाइज किया जाए, ये कार्यप्रणाली से संबंधित थी। इनकी जो समिति है उसकी क्षमता में संवर्धन हो, इसके लिए ट्रेनिंग कराए, उनके लिए मटेरियल उपलब्ध कराए, और इसके अलावा ब्लॉक लेवल पर आर्ट बैंड, विचार गोष्ठी, सेमिनार आदि का आयोजन कराए, ये क्षमता संवर्धन के लिए। विद्यालय विकास योजना के लिए ये अश्योर करे कि हर साल दिसंबर तक विद्यालय समिति अपना विद्यालय विकास योजना दे दे। उसके लिए जो ट्रेनिंग की जरूरत है वो विद्यालय प्रबंध समिति की क्षमता में वृद्धि के लिए वो ट्रेनिंग और कोऑपरेशन प्रदान करे। उसके लिए जागरूकता अभियान चलाए, वॉलंटियर्स की मदद ले और वॉलंटियर्स से जो इनपुट मिले हैं उनको भी विद्यालय विकास योजना में लिया जाना सुनिश्चित करे। कोऑपरेशन कम्युनिटी लेवल पर एक अभिभावकों को जागरूक करने के लिए एक रणनीति बनाई जाए, और रणनीति इस तरीके से बनाई जाए कि पेरेंट्स ना केवल उसका बच्चे का एनरोलमेंट कराएं, उसका रोज स्कूल आना निश्चित करें, और इसके अलावा उसके कंप्लीट डेवलपमेंट में अपनी भूमिका को समझें, और इस दौरान इस चीज में जो हम मदद ले रहे हैं वो ले रहे हैं वॉलंटियर्स का, जिससे कि माँ बाप को अपने उत्तरदायित्व के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। फिर फाइनली जो कुछ भी हाउस होल्ड सर्वे होते हैं जो विद्यालय प्रबंध समितियों के द्वारा कराए जाते हैं, उसमें कम्युनिटी जो है वो पार्टिसिपेट करे, इस संबंध में इस चीज को अश्योर करना भी बीएसए के दायित्व में है। अब हम बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका है। तो जिला लेवल पर जो कुछ भी काम बेसिक एजुकेशन ऑफिसर करता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है, वो खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी करता है। वही कि जो ये और भी बेसिक लेवल पे काम कर रहा है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये सीधे जो है स्कूल के कॉन्टेक्ट में रहता है, तो शिक्षकों के साथ इसका रोज का मिलना जुलना, उठना बैठना रहता है, तो उनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को डायरेक्ट तक पहुंचाना, प्रशिक्षण संस्थानों तक पहुंचाना एक खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका है। और ये जो प्रशिक्षण संस्थानों से या किसी भी अपर बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको टीचर्स तक पहुंचाना, इसके अलावा जो फील्ड में बहुत कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं या स्किल्ड टीचर्स हैं उनकी जानकारी बीआरसी को देना, जिससे कि उनकी क्षमता का उपयोग हो सके, उनको एज ए की पर्सन, रिसोर्स पर्सन उनको यूज किया जा सके। और विद्यालय के जब विद्यालय का जब निरीक्षण हो रहा हो उस समय भी अगर किसी आदर्श पाठ योजना की प्रस्तुति की जरूरत हो तो उसको प्रस्तुत करवाना, जिससे अध्यापक की शैक्षिक समस्याएं हैं वो समाप्त हो सके। इनकी जो बैठक होती है उनमें प्रतिभाग करना, और इसके अलावा विद्यालय में जो शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन की व्यवस्था है इसको सुनिश्चित करने में कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिसको आप कह रहे हैं बीआरसी, उनकी उनको निर्देशन और मार्गदर्शन प्रदान करना, ये खंड शिक्षा अधिकारी की। बीआरसी का क्या रोल होता है स्कूल में? ब्लॉक रिसोर्स सेंटर।